नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोलस्काई में आपका स्वागत है। 25 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रोहित भाटी उर्फ राउडी भाटी की सड़क हादसे में निधन हो गया। इस हादसे में रोहित भाटी के दो दोस्त भी घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल दोनों की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। बता दें कि यह हादसा ग्रेटर नोएडा के चूहूपुर अंडरपास के नज़दीक उस समय हुआ जब रोहित उर्फ राउडी भाटी एक पार्टी में शामिल होकर वापस अपने घर लौट रहे थे। बता दें 25 वर्षीय रोहित भाटी उर्फ राउडी भाटी मूल रूप से बुलंदशहर जिले के सिकंदराबाद थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। रोहित भाटी ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर रोहित भाटी को लोग राउडी भाटी के नाम से जानते थे। इतना ही नहीं, राउडी भाटी गुज्जर कम्युनिटी के एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने वीडियोज़ पोस्ट किया करते थे। बात करें रोहित भाटी के परिवार की, तो रोहित भाटी के परिवार के बारे में अभी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक रोहित भाटी के घर में उनके माता और उनके पिता थे। सोशल मीडिया से अपनी अलग पहचान बनाने वाले रोहित भाटी का इस तरह से आकस्मिक निधन होना उनके फैंस और उनके घर वालों के लिए बेहद दुखदायी है। हम सभी प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।